हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फिएस्टा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से और न्यू स्टाइल से साबूदाने के वड़े, जो बहुत ही क्रंची से बनते हैं और फटाफट बन जाते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी देखने से पहले मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख लेते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैं एक बाउल में साबूदाना ले रही हूँ। ये साबूदाना को हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो के साफ कर लेना है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दही और 1/2 कप जितना मैंने पानी डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। पानी हमें उतना ही ऐड करना है जितना के साबूदाना अच्छे से भीग जाए और सॉफ्ट से हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छे से भीग गया है, उतना मैंने पानी डाला है। थोड़ा सा ऊपर तक दिख रहा है, उतना ही पानी ऐड करना है। अब हम इसे ढक्कन लगा के 4 से 5 घंटा ढक के रख देंगे। 5 घंटे के बाद देखिए हमारा साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की सामग्री। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है जिसको बारीक कट कर लिया है, कड़ी पत्ता लिया है जिसको भी बारीक कट कर लिया है, यहाँ पे मैंने 1 ऑनियन को भी बारीक कट कर दिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे, और हरा धनिया भी हम ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी जितना राइस का आटा लिया है वो ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे हम और इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेना है और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अच्छा सा एक डो रेडी हो गया है, जिसे हम पकोड़ा बना सकते हैं वैसा ही डो रेडी करना है। अब हम इन पकोड़ों को गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे हमारा तेल ज़्यादा गरम ना हो और संभालते हुए हम एक एक करके सारे ही साबूदाने के वड़े फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साबूदाने के वड़े यहाँ पे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही क्रंची सा आवाज़ आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही क्रंची से बनते हैं हमारे ये साबूदाने के वड़े। तो फ्रेंड्स, आप ये साबूदाने के वड़े एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।